हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे स्लीव्स की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो तरह की कलर की फैब्रिक लिया हुआ है। आप चाहें तो सिंगल कलर का भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई और इसकी जो चौड़ाई रखनी है हमने वो 2.5 इंच रखनी है दोनों फैब्रिक की। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैंने चौड़ाई में 2.5 इंच लिया है और लंबाई हम अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेंगे। ये डिज़ाइन आप अपने सूट के बॉटम पर, पैंट की बॉटम पर और स्लीव्स की बॉटम पर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बीच से और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम 4 इंच पर इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे 4 इंच की पट्टी पर कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने सारे फैब्रिक जो हमने स्टिच किए हुए थे उसे 4 इंच पर निशान लगाकर कट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए हम अपने स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 4 इंच रखी है और लंबाई जो है हम अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 16.5 इंच रखी है। फैब्रिक के दूसरे साइड मैंने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिपकाएं या ना चिपकाएं। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और डिज़ाइन अच्छे से बनकर आती है। तो इसे हम यहाँ पर बीच में इसे पेन से एक मार्क कर लेना है सीधा एकदम, ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे मार्क कर लेना है बीच में। यहाँ पर मैंने बीच में मार्क कर लिया। अब हमने जो पट्टियों को कट करा था उसे इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने रखना है और अपना जो डिज़ाइन है वो बना लेना है। सबसे पहले हमने वाइट को रखना है, उसके बाद हमने इस तरीके से ग्रीन पट्टी को रखना है और स्टिच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमने फिर वाइट पट्टी को लेना है और इस तरीके से रखना है। इसके बाद हमें ग्रीन पट्टी लेना है और फिर इसे रख लेना है। तो चलिए इसे हम आपको स्टिच करके दिखाते हैं ये डिज़ाइन हम कैसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे एक बराबर कर लेना, जो हमने सेंटर पर मार्क किया है उसी मार्क पे हमने ये डिज़ाइन की पट्टी को रखना है और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हम दूसरी पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे और दूसरी जो पट्टी है वाइट वाली उसे हम इस तरीके से एकदम सेंटर पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने रखना है और इसे एकदम एक बराबर करके हमें स्टिच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने व्हाइट पट्टी को स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, जो हमारी ग्रीन वाली पट्टी है उसे भी इस तरीके से हमने रखना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने रखना है और स्टिच कर लेना है। तो चलिए मैं इसे आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसे रखना है एकदम सेंटर से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे रखना है और दूसरी वाली पट्टी जो हमने सेंटर पर मार्क किया था वहाँ पर रखना है और स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन वाली पट्टी को भी स्टिच कर लिया। अब हमने क्या करना है कि फिर से हमें इसके वाइट पट्टी को रखना है और स्टिच कर लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको इस डिज़ाइन को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड में इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छे से बैठ जाए। आपने भी इस तरीके से दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे कट कर देना है। इस तरीके से आपने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना और ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक
इस तरीके से पट्टी लेना है जो यहाँ पर हल्का सा डिज़ाइन दिख रहा है, इसे हमें हटाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को हमने इसके अंदर इस तरीके से रखना है और साइड में सिलाई लगा देना है ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से इसका लुक आए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फैब्रिक को रखना है और साइड पे रख कर इस तरीके से सिलाई लगा देना है। इसके बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो उसका इसके बाद जो हमारा ये डिज़ाइन है उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमारे जो एक्स्ट्रा धागों को हमने कट कर दिया है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ। अब हमने जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी कट करके निकाल देंगे और इसे अब हम अपने स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स को ले लिया है और यहाँ इस तरीके से सीधे वाले साइड पर डिज़ाइन को हम सीधा रखेंगे, उल्टी साइड को उल्टा साइड कर देंगे, उसके बाद इसे हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पट्टी को लेना है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई हम स्लीव्स के ही अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना ही हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। और यहाँ पर हमने इस तरीके से फैब्रिक को डिज़ाइन पर रखना है और सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उन्हें हम कट कर देंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और ये जो पट्टी है इसे अब हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और जो हमने डिज़ाइन पर सिलाई लगाई थी उसी पर सिलाई लगा लेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ। तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो लेस को भी अटैच कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा हैवी लुक नहीं दूंगी इसलिए मैंने लेस को अटैच नहीं किया है। और फिटिंग यहाँ पर मैंने स्लीव्स की फिटिंग कर ली। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना ही अच्छा दिख रहा है। ये डिज़ाइन आप अपने कुर्ती के बॉटम पर, पैंट्स के बॉटम पर और स्लीव्स के बॉटम पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।